हेलो फ्रेंड्स, निटिंग ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सिंगल कलर का डिज़ाइन। ये देखिए, कार्डिगन के लिए है ये, या आप बेबी गर्ल की फ्रॉक में भी इसको डाल सकते हैं। यहाँ से ये मैंने तीन फंदों का डिज़ाइन है ये, और ये मैंने दोनों साइडों में एक एक फंदा उल्टा लिया है और बीच में ये एक फंदा सीधा लिया है। यहाँ आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी या कोई केबल या कुछ भी इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ एक फंदा सीधा लिया है बीच में, और इसके इधर उधर दो दो फंदे हमने ये उल्टे लिए हैं, और बीच में तीन फंदे का ये डिज़ाइन है। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, यहाँ हम ये बनाएंगे। सबसे पहले हम दो फंदे उल्टे बना लेंगे। एक फंदा बिना बुना लिया, एक फंदा उल्टा बना लिया, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, और ये डिज़ाइन अब यहाँ बनाएंगे हम। यहाँ मैं सिर्फ एक डिज़ाइन आपको ये बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद आप इसी हिसाब से आप ये फंदे डाल के आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये तीन फंदों में डिज़ाइन बनेगा, तो हमें यहाँ एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे लेंगे, एक और जाली बनाएंगे। अब ये तीन फंदों के पांच फंदे बन गए। अब हम ये सिलाई पूरी करेंगे इसी तरह से। और उल्टी सिलाई हमें करनी है कि जहां हमारे फंदे सीधे हैं वहां हमें सीधे बुनने हैं, जहां हमारे फंदे उल्टे हैं वहां हमें उल्टे फंदे बुनने हैं। यहाँ ये दो सीधे बुने मैंने, एक उल्टा, दो सीधे, और ये पांच फंदे उल्टे। ये पांच फंदे उल्टे हो गए, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे। अब हम सीधी सिलाई पर हैं, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये फंदे हमें हर बार इसी तरह से बुनने हैं, शुरू के दो फंदे सीधे, उल्टे दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, ये हमें हर बार इसी तरह से बुनने हैं। बस इन तीन फंदों के ऊपर हम डिजाइन बनाते जाएंगे। ये तीन फंदों के इस बार ये पांच फंदे हो गए। अब हमें ये पांच फंदे कैसे बुनने हैं, एक सिलाई पर डबल धागा लपेट के। ये पांच के पांच फंदे हमें इसी तरह से बुनने हैं। देखिए, ये पांच फंदे हमने डबल धागा लपेट के बुन लिए। बाकी के फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे और जो सीधे हैं वो सीधे। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे। ये बुनने के बाद अब हम इन्हें बुनेंगे जो हमने पांच फंदे ये डबल लेके बुने थे। ये देखिए आपको किस तरह से बुनने हैं ये। सबसे पहले हम ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये थोड़ा सा लूज लेना है हमें ये फंदा, और इसका हम ये एक बल निकालेंगे ऐसे। धागा पीछे लेंगे और एक बार हमें इस फंदे को इस तरफ से बुनना है। उसके बाद हम फिर धागा आगे लेंगे, एक बार बुनेंगे इस फंदे को और एक बल निकालेंगे, धागा पीछे लेंगे और फिर एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक बल निकालेंगे सिलाई पर से,
धागा पीछे लेंगे और एक बार फिर से इसको बुनेंगे, धागा आगे लेंगे एक फंदा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे और इसी फंदे को दोबारा बुनेंगे। 10 के 10 फंदे हमें ये इसी तरीके से बुन के, धागा आगे लेंगे ये देखिए, इसको हमने 10 के 10 फंदे, हमने ये 5 फंदे थे ये हमारे 5 के, अब हमने ये 10 बना, 10 हो गए। अब हम बाकी के फंदे इसी तरह से बुन लेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बुनेंगे और जो उल्टे हैं वो उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये 10 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, जो जो ये उल्टे और सीधे फंदे हैं वो तो हम इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिए अभी हमारे 10 फंदे हैं, जो हमने 5 फंदों के 10 फंदे बनाए थे, इनको हमें 10 फंदे का एक फंदा करना है। कैसे करेंगे हम, धागा हम ये उल्टे फंदे जो बुन लिए हमने, ये धागा आगे ही रखना है, इसको पीछे नहीं करना है। और हम ये 10 के 10 फंदे इस तरह से साथ में लेंगे और ये ऐसे बुनेंगे। यहाँ हमें ये 10 फंदों का एक फंदा बनाना है। ये देखिए ये फंदा एक हो गया 10 फंदों का, और एक फंदा ये यहाँ जाली से बढ़ गया। इस तरह से ये दो फंदे हो जाएंगे और एक फंदे की जाली हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हमारे नीचे से 3 फंदे थे तो हमें ये 3 फंदे ही रखने हैं। ये देखिए इस तरह से। लेकिन अगर किसी वजह से आपके ये फंदे टाइट हो गए हैं और आप 10 के 10 फंदे साथ में लेके नहीं बुन पा रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक तरीका और बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये 10 में से आपको 9 फंदे इस सिलाई में ले लेना है। ये इसका दूसरा तरीका है। 10 फंदे हम 9 फंदे हमने इस सिलाई में ले लिए, 10वां फंदा हम ऐसे बुन लेंगे, धागा आगे ही रहेगा, ऐसे सिलाई के ऊपर से जाएगा, इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और बाकी के जो 9 फंदे हैं ये हम इसके ऊपर से उतार देंगे एक फंदे के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए ये 9 फंदे हमने इसके ऊपर से उतार दिए। अब हम धागा आगे लेंगे, एक बार और लपेटेंगे इसको और ये दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक सीधा दो उल्टे। ये देखिए आप इसको किसी भी, जिस तरह से मैंने बताया आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने शुरू में बताया आप उस तरीके से भी। बस 10 फंदों का एक फंदा करना है और इस एक फंदे के इधर और उधर ये दोनों जगह जाली बनानी है। देखिए एक जाली ये बन गई, एक जाली ये बन गई। अब उल्टी सिलाई हम करेंगे, जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बुनेंगे और जो उल्टे हैं वो उल्टे बुनेंगे। ये दो फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सिलाई इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम ये डिजाइन पहली सिलाई से, जो हमने शुरू किया था, हम पहली सिलाई से शुरू करेंगे। देखिए हमने पहली सिलाई में कैसे बनाया था, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे लेंगे, दूसरी जाली बनाएंगे और ये
जो दो फंदे उल्टे वो उल्टे रहेंगे, जो फंदे सीधे हैं वो सीधे ही रहेंगे। ये हमने डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाई, ये तीन फंदों के पांच फंदे हो गए। अब उल्टी सिलाई हमें उसी तरह सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, और उसके बाद जब सीधी सिलाई आएगी उसमें ये पांच फंदों को डबल करके बुनना है सिलाई पर। इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। देखिए, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा डिज़ाइन। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।